नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपकी हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम आ गए हैं पाठ संख्या 9 पर, और पाठ संख्या 9 का शीर्षक है कल्पना लोक का स्वर्ग सिक्किम। तो आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और बातें सिक्किम के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं। चित्र पर आधारित गतिविधि। संलग्न चित्रों में सिक्किम के प्रसिद्ध स्थान हैं। इनके बारे में इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कर लिखो। आपको यहाँ दो चित्र दिखाए हुए हैं, आपको इंटरनेट से इनके बारे में जानकारी लेनी है और फिर यहाँ पर लिखना है। तो अब हम करते हैं पाठ में प्रवेश। सिक्किम भारत के उत्तर पूर्व में स्थित अपनी रहस्यमय बौद्ध विहारों, हरी भरी घाटियों, कलकल बहती नदियों और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। रहस्यमय बौद्ध विहारों, त्योहारों, हरी भरी घाटियों, कलकल बहती नदियों के राज्य सिक्किम को मानो प्रकृति ने अपने हर रंग से सराबोर कर दिया है, मतलब हर रंग से भर दिया है। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित सिक्किम को स्थानीय भाषा में रांग रीला कहते हैं, यानी स्वर्ग। यहाँ के हरे भरे पर्वत, दुर्लभ वन्य जीव और रहस्यमय प्राचीन बौद्ध मठ एक सम्मोहन सा रचते हैं। बौद्ध विहारों की उदासी, क्षितिज पर गूंजता कंचनजंघा का सुनहरा राग, ऑर्किड फूलों की सुंदरता, अपने रंग बिरंगे परिधानों में सजे सवरे खुश मिजाज लोग, अपने पर्वत शिखरों, हरी भरी घाटियों, तेज धारा में बहती नदियों तथा सीढ़ीदार पहाड़ियों की भव्यता के बीच सिक्किम अपने दर्शकों को एक अद्भुत अनुभव की पेशकश करता है। सिक्किम पूर्वी हिमालय में स्थित एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है। उसके उत्तर में तिब्बत, पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान और दक्षिण में पश्चिम बंगाल है। सिक्किम में 4 जिले हैं। सिक्किम के निवासी अत्यंत उत्साही हैं। सिक्किम वासियों की परंपराएं तथा रीति रिवाज उतने ही विविधतापूर्ण हैं जितने कि इस प्रदेश में बसे लेपचा, मूलतः अरण्य पुत्र भोटिया तथा नेपाली जाति समूह है। सिक्किम के लोग बड़े ही उत्सव प्रेमी हैं। चाहे दुष्ट आत्माओं को भगाने का अवसर हो अथवा नव वर्ष के आगमन का उत्सव, सिक्किम वासी उल्लसित हृदय से सभी उत्सवों में भाग लेते हैं। सिक्किम वासी बुमचू नामक पवित्र पात्र की पूजा करते हैं, जिसके बारे में मान्यता है कि इसमें 17वीं शताब्दी में एक बौद्ध संत द्वारा अभिमंत्रित पवित्र जल रखा गया था, मतलब मंत्र पढ़कर पवित्र जल को अभिमंत्रित किया गया था और फिर अभिमंत्रित पवित्र जल रखा गया था। आज लगभग 300 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी वह जल पहले के समान ही ताज़ा है। यहाँ लगभग 194 मठ हैं। सुदूर पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य मठों, घरों आदि के शीर्ष पर धार्मिक पताकाएं फहराती दिखाई पड़ती हैं। सिक्किम की संस्कृति में त्योहारों का विशेष महत्व है। सितंबर अक्टूबर में नेपाली और हिंदू मिलकर अपने सबसे बड़े पर्व हसेन को नाच गाकर खूब धूमधाम से मनाते हैं। इसके बाद ताइचर त्यौहार आता है। शाम के समय लोग समूह बनाकर पास पड़ोस के घरों में मादूलो गाते हुए जाते हैं। अगस्त सितंबर में पंबला बसोल और दिसंबर में के ज्ञात चामसए दोनों उत्सव बौद्ध धर्मानुयायियों के लिए विशेष महत्व के हैं। साथ ही ये धार्मिक त्यौहार उल्लास परिहास के प्रतीक भी होते हैं। ये त्यौहार बौद्ध इतिहास की गाथाओं और किंवदंतियों से जुड़े हैं।
इसमें सत्य और न्याय के हक में लड़ते हुए योद्धा दुष्ट आत्माओं का दमन करते हैं। फसल पकने और कटने के समय किए जाने वाले लोक नृत्य मानवीय श्रम की कहानी सुनाते हैं। विश्व प्रसिद्ध ऑर्किड्स फूलों के अलावा सिक्किम के दक्षिण पश्चिम में याच, बांस, इलायची और संतरे के विशाल बाग हैं। गर्मी के मौसम में चेरी से भरे पेड़ के समूह, पिमा यंगत्से के आगे कार्ड, शैवाल और कर्ण से भरे गहरे जंगल, थोड़ा सा ऊपर लीचियों से लदे पेड़ सिक्किम की विविधता से भरी वनस्पति के मुख्य घटक हैं। वन्य जीवन में भी सिक्किम पूर्णतया संपन्न प्रदेश है, जहाँ 550 से ऊपर पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ हैं। वहीं पशुओं में कस्तूरी हिरन, रीछ, भौंकने वाला हिरन, चितकबरी बिल्लियाँ, नीली भेड़, विश्व विख्यात लाल पांडा, छोटे पशुओं में हिमालयी भटभटे, सिक्कमी मूस, उड़ने वाली गिलहरी बहुतायत में हैं। प्रकृति ने सिक्किम को उदारता से सजाया सवारा है। बहुपयोगी अरण्य वनस्पतियां, समृद्ध वन संपदा, मध्यम स्वर में गुनगुनाती नदियां, रंगों से भरपूर पर्व त्योहार, नाचते गाते जीवंत लोग और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कंचनजंघा, सब मिलकर एक कल्पना लोक के स्वर्ग की सृष्टि करते हैं। तो कितना सुंदर और कितना विविधतापूर्ण है सिक्किम राज्य। तो चलिए आगे हमें दिए हुए हैं कठिन शब्द जो आपको लिखते हैं अपनी पाठ्य पुस्तिका में। रहस्यमय, स्वर्ग, सम्मोहन, अभिमंत्रित, किंवदंतियाँ, वनस्पति, विविधता, पर्वत श्रेणी, बहुपयोगी, वन संपदा, शैवाल, वैविध्य, विश्व विख्यात। और फिर हम करेंगे शब्द अर्थ, जो हम याद भी करेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तिका में आप लिखेंगे भी। वैविध्य का अर्थ है भिन्न भिन्न, संपन्न, पूर्णतः विकसित या उन्नतिशील, दुर्लभ, जो आसानी से प्राप्त ना हो सके, पताका, झंडा, उल्लास, उमंग और आनंद। अब हम करते हैं बात पाठ की। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सिक्किम के स्वरूप के अलावा और क्या दर्शाया है? प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सिक्किम के अतुलनीय स्वरूप का तो दर्शन हमें कराया ही है, उसके अलावा सिक्किम के पशु, पक्षी, वनस्पतियां, त्योहार आदि से भी हमें भलीभांति परिचित कराया है। सिक्किम वासी किसकी पूजा करते हैं? सिक्किम वासी बुमचू नामक पवित्र पात्र की पूजा करते हैं। यहाँ लगभग कितने मठ हैं? 194 मठ हैं। सिक्किम में पाए जाने वाले कुछ पशुओं के नाम बताओ। सिक्किम में पाए जाने वाले कुछ पशु हैं कस्तूरी हिरन, रीछ, लाल पांडा, नील गाय, भौंकने वाला हिरन, हिमालयी भटभटे, सिक्कमी मूस, चितकबरी बिल्लियां तथा उड़ने वाली गिलहरी। प्रश्न नंबर 2 है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। सिक्किम भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। पवित्र पात्र का नाम है बुमचू। सिक्किम में मठों की संख्या है लगभग 194। सबसे बड़ा पर्व है हसेन। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। वन्य जीवन में भी सिक्किम पूर्णतया संपन्न प्रदेश है। पम्बलाभसोल व के ज्ञात चामसय दोनों उत्सव बौद्ध धर्मानुयायियों के लिए विशेष महत्व के हैं। सुदूर पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य मठों, घरों आदि के शीर्ष पर धार्मिक पताकाएं फहराती दिखाई पड़ती हैं। सिक्किम के लोग बड़े ही उत्सव
प्रेमी है। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। सिक्किम पूर्वी हिमालय में स्थित एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है। सही। सिक्किम के लोग उत्सवों के प्रति उदासीन रहते हैं। गलत। संत द्वारा अभिमंत्रित जल 300 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी पहले की तरह ताज़ा है। सही। फसल पकने और कटने के समय ये लोक नृत्य आदि सब भूल जाते हैं। नहीं, ये लोक नृत्य करते हैं और उसमें मानव की मेहनत को भी प्रदर्शित करते हैं। सही शब्द पर गोला बनाओ। तो यहाँ वैमनस्य ये बिल्कुल सही है, व्यापार, ज्येष्ठ और स्वभाव। आप भी ये सारे अभ्यास कार्य मेरे साथ साथ करते जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम बताओ। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है माउंट एवरेस्ट, और जो सिक्किम में है कंचनजंगा, वो है विश्व की तीसरी ऊंची पर्वत श्रेणी। सिक्किम के दक्षिण पश्चिम में कौन कौन से फलों के बाग हैं? याच, बांस, संतरे के बाग, चेरी के बाग हैं, लीची के बाग हैं। नेपाली व हिंदू मिलकर कौन सा पर्व धूमधाम से मनाते हैं? वो मनाते हैं हसेन पर्व। सिक्किम में कितने जिले हैं? सिक्किम में 4 जिले हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों कि अब आपको सिक्किम राज्य के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातें पता चल गई होंगी और आपको ये पाठ भी भली भांति समझ में आ गया होगा। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।